मणिपुर में बीजेपी सरकार 100% होने वाला है। मैं आप सब लोग को अभिनंदन करना चाहता हूं। भाई और बहनों, माताजी और पिताओं, मैं तो असम से आया हूं। उस समय मैं असम का चीफ मिनिस्टर नहीं था, तो मैं भी मंत्री था। 2000 हमारा जब सरकार बना, 2018 का इलेक्शन का बाद, हमारा 17 का इलेक्शन का बाद जब सरकार बना, उस समय मणिपुर का क्या हालत था। हमने मोदी जी को बुलाया था, तो मोदी जी का रैली में हम लोग मोदी जी को ये बोला था कि मोदी जी, मणिपुर का लोग तो आपको वोट देगा, लेकिन क्या आप इकोनॉमिक ब्लॉकेट बंद कर सकते हैं। तो मोदी जी ने मन से बोला कि अगर बीजेपी का सरकार बनेगा तो 26 घंटा में इकोनॉमिक ब्लॉकेट बंद हो जाएगा। तो हम सोचा ये कैसे संभव है, मणिपुर में तो हर दिन इकोनॉमिक ब्लॉकेट होता है, कोई ना कुछ करके इकोनॉमिक ब्लॉक कर देता है, और हमारा घाटी का लोगों का बहुत परेशानी होता था। पेट्रोल का दाम 200 रुपया, डीजल का दाम, खाना का दाम, चावल का दाम कितना हो जाता था, मां लोगों का याद है कितना हालत था, कैसा हालत था। फिर बीजेपी का सरकार बना और सचमुच 26 घंटा का अंदर में पूरा इकोनॉमिक ब्लॉकेट उठ गया, है ना, पूरा इकोनॉमिक ब्लॉकेट चला गया। और 5 साल में दोबारा कभी मणिपुर में और इकोनॉमिक ब्लॉकेट नहीं हुआ। आप एक बार सोचिए, जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो काम अमित शाह ने किया, जो काम बीरेन जी ने किया, विश्वजीत जी ने किया, वो काम तो कांग्रेस भी कर सकता था, लेकिन कांग्रेस ने वो काम नहीं किया। और कांग्रेस ने वो काम नहीं करने का कारण, हर 6 महीना 1 साल का अंदर में मणिपुर में हमेशा इकोनॉमिक ब्लॉकेट होता था। मोदी जी और क्या किया, आप लोग को सबको याद में ये बात रहना चाहिए। पहले हमारा असम से मणिपुर तक चावल रेशन आता था, कौन सा रास्ता से आता था, दीमापुर होते हुए आता था। तो एक ही रास्ता था, हमारा पाटन जी नागालैंड का डिप्टी सीएम है, तो उनका राज्य से मणिपुर तक खाना आता था, रेशन आता था, सामान आता था। और अगर वो रास्ता का ऊपर इकोनॉमिक ब्लॉकेट हो गया, बस मणिपुर में कोई सामान नहीं मिलता है, हवाई जहाज से मणिपुर तक सामान आने का जरूरत होता था। मोदी जी ने क्या किया, एक तो पॉलिटिकल डिस्कशन किया कि देखो भाई, प्लेन्स और हिल्स का लोगों को मिलके रहना है, आप लोग इकोनॉमिक ब्लॉकेट वगैरह मत दीजिए, एक काम तो उन्होंने वो किया। दूसरा काम क्या किया, पूरा सिलसर से जीरीबाम होते हुए इम्फाल तक नया नेशनल हाईवे मोदी जी ने बना दिया। और अभी आप बोलिए, जब मोदी जी ने ये नेशनल हाईवे बना, मणिपुर में पीडब्ल्यू मिनिस्टर कौन था, रास्ता का मंत्री कौन था, हमारा भाई विश्वजीत था, है कि नहीं। आज विश्वजीत जब पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ मणिपुर में, लोक निर्माण डिपार्टमेंट का मंत्री बना, उसका बाद मणिपुर में कितना हाईवे बना, जीरीबाम रास्ता में कितना बड़ा ब्रिज बना, वो कल्पना भी नहीं कर सकता था उस समय। कांग्रेस का सरकार में वो काम हुआ ही नहीं 75 साल। लेकिन आज मणिपुर में जब बीजेपी का सरकार बना, हम लोगों को जीरीबाम से पूरा इम्फाल तक रास्ता, नया रास्ता मिल गया। अभी असम से जो सामान आते हैं, नागालैंड से भी आ सकता है, और डायरेक्टली सिलचर से जीरीबाम होते हुए इम्फाल भी आ सकता है। और जब से वो रास्ता बना, तब से और मणिपुर में कोई इकोनॉमिक ब्लॉकेट का बात नहीं है, मणिपुर शांति हो गया, मणिपुर आज विकास का ओर पूरा दौड़ रहा है।
आज आप लोग देखिए, जब मैं मणिपुर आता था 2016 में, तो मुझको मिलने के लिए मणिपुर का सिटीजन, सीनियर सिटीजन लोग आता था, मुझको सब बोलता था कि भाई साहब मणिपुर के लिए आईएलपी दीजिए, मणिपुर के लिए आईएलपी दीजिए। मैं बोला आईएलपी क्या होगा नहीं होगा, फिर भी पॉलिटिक्स में हम लोग रहता हूं ना तो नहीं बोलता हूं, लेकिन हां भी बोलने का दम हमारा नहीं था। हम ऐसे ठीक है, देखा जाएगा देखा जाएगा, तब शोभा जी भी था। हम लोग हमेशा यहां जब आता हो, सिविल सोसाइटी हम लोग को बोलता था कि आईएलपी मणिपुर को दीजिए। साला हमने प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को हम लोग ने बोला कि मणिपुर का ऐसा सिचुएशन है, मणिपुर का अस्मिता के लिए और मणिपुर मणिपुरी लोगों का एक जो इंटीग्रिटी है हमारा देश के लिए, इसका कारण मणिपुर को आईएलपी मिलना चाहिए। आप देखिए आज हमारा मोदी जी ने मणिपुर को आईएलपी दे दिया, आज मणिपुर का लोग पूरा अपना अस्मिता को बसा के रख सकता है। आज मणिपुर सेव हो गया, मणिपुर सिक्योर हो गया। मणिपुर का दो ही सबसे बड़ा इशू था उस समय कि इकोनॉमिक ब्लॉकेट बंद होना चाहिए और मणिपुर में आईएलपी आना चाहिए। ये दोनों काम हुआ। और एक बात मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं, मणिपुर में बीजेपी का सरकार होगा ये हम लोग कभी कल्पना भी नहीं किया था, लेकिन हमारा भाई विश्वजीत का वो कॉन्फिडेंस था, वो टीएमसी से बीजेपी में आया और बीजेपी को आज इतना बड़ा कर दिया मणिपुर में। ये मेरा भाई विश्वजीत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो हम सबको स्वीकारनीय है। हम सब लोग जानते हैं कि मैं यहां जब 2016 में आया था फ्लैग होस्टिंग में, मैं मन में सोचा था कि ये क्यों बीजेपी में आ रहा है, मणिपुर में तो कोई बीजेपी नहीं है, वो इतना बड़ा रिक्स क्यों ले रहा है। तो विश्वजीत ने मुझको बोला कि दादा आप असम में आया और मैं मणिपुर में आया और हम लोग दोनों मिलके मोदी जी को सेवा करूंगा, मणिपुर को सेवा करूंगा और बीजेपी का सरकार लाऊंगा। शोभा जी उस समय प्रेसिडेंट था, जय किशन भी आया था, विश्वजीत भी आया। जय किशन भाग गया थोड़ी देर में, लेकिन विश्वजीत पूरा पकड़ के रखा पार्टी को। और आज पार्टी को विश्वजीत ने जितना सेवा किया वो मानने लायक है। हम सब लोग विश्वजीत का आज क्या हो गया, जैसे एक हिंदी फिल्म का हीरो होता है ना, सब उनका फैन बन जाता है, पूरा हम लोग बीजेपी आज विश्वजीत का फैन बन चुका हो। इसलिए मणिपुर का जो बीजेपी आज जो स्थिति में आया, इसमें मेरा भाई विश्वजीत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। विश्वजीत जी पहले आया, फिर मैं और लोग आया, लेकिन हमारा पार्टी में हो मणिपुर में हो कभी कोई प्रॉब्लम होगा, सुबह सुबह 6 बजे विश्वजीत जी मुझको फोन करता है, दादा यह मणिपुर का प्रॉब्लम है सॉल्व कीजिए, हम भी दिल्ली आता हूं, आप भी दिल्ली आइए, हम भी गृह मंत्री जी को फोन लगाता हूं, आप भी लगाइए। मणिपुर के लिए विश्वजीत जी का दिल में बहुत बड़ा प्रेम है, आप लोग के लिए तो घर का है, आप लोग के लिए तो है ही। अभी क्या है, मणिपुर को हम लोग को आगे ले जाना है। इकोनॉमिक ब्लॉकेट खत्म हो गया, जिरीबाम रास्ता बन गया, रेल कनेक्टिविटी मणिपुर को मिल गया, मणिपुर में आईएलपी भी आ गया। अभी हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट लेवल में जाना है। जैसे आज असम बीजेपी में, असम बीजेपी में, बीजेपी को असम ने सुना और आज असम नेक्स्ट लेवल में जा रहा है। अगर आप कोई असम में जाते हो तो आपको देखे, आपको आपको देखने के लिए है, पहले असम में 6 मेडिकल कॉलेज था, अभी हम लोग 26 मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हुआ हो, 6 से 24। असम में एम्स आ गया और अभी हम धीरे धीरे मेट्रो रेल का भी हम लोग आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन इसमें हमारा क्रेडिट नहीं है, ये असम का लोगों का क्रेडिट है कि वो नरेंद्र मोदी जी को दोबारा वोट डाला और असम को नेक्स्ट लेवल में ले जाने का हम लोग को ताकत दिया। आज अगर
बीजेपी का सरकार मणिपुर में दोबारा बनता है बहुत सारा काम होगा। आज हमारा मणिपुर का मैनिफेस्टो में हमने बोला कि बीजेपी का सरकार आएगा तो हमारा बेटियों को कॉलेज जाने के लिए हम स्कूटी देगा। तो कोई लोग बोलेगा क्या स्कूटी क्या देगा, सचमुच देगा? माँ और बहनों, मैं असम में दे चुका हूं, लास्ट दो साल में असम में स्कूटी दे चुका हूं, और असम में भी नरेंद्र मोदी जी है और हमारा मणिपुर में भी नरेंद्र मोदी जी है। अगर असम का बेटियों को स्कूटी मिलने का अधिकार है तो मेरा मणिपुर का बेटियों को भी स्कूटी मिलने का अधिकार है। हम लोग करने जा रहा हूं। अभी हमने बोला कि मेरा स्टूडेंट जितना कॉलेज जाएगा हम वो लोग को लैपटॉप देगा। एहिमा जी ने तो मुझको बोला गया है कि लेहिमा लैपटॉप देना शुरू भी कर दिया, तो जो भी है चुनाव का पहले। और विश्वजीत भी तो अपना केंद्र का पूरा खबर रखते ही, लेकिन वो बात गलत है। आज असम में जितना लोग मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट करता है सबको हम लोग लैपटॉप देता है। और अगर असम का लोग बीजेपी सरकार को वोट देने का बात लैपटॉप मिल सकता है तो मेरा मणिपुर का भी भाई और बहन को मिल सकता है। ये हम लोग करके दिखाऊंगा। आज आप लोग देखिए लॉकडाउन आया, लॉकडाउन आने का बाद मोदी जी ने क्या किया, पहले जो 5 kg राइस फ्री राइस था इसको उन्होंने डबल कर दिया। आज मां लोग चिंता कीजिए, लॉकडाउन था, कुछ काम नहीं था घर में, बेरोजगारी था, मोदी जी ने सोचा कि सबका घर में मुझको फ्री राइस देना है, डबल कर दिया चावल को। आज कोई देश में कोई लोग भूखमरी में नहीं मरा, किस लिए? मोदी जी ने सबका ख्याल रखा, सिलेंडर भी फ्री दिया। अभी हमने बीजेपी में ये बोला हो कि अभी जब हमारा सरकार आ जाएगा सारा मेरा माँ को इमा को दो दो सिलेंडर साल में आप लोगों को मुफ्त में मिलेगा। ये बात भी हमने अनाउंस कर चुका हूं, ये बात भी हम लोग बोल चुका हूं। जो हमारा कृषक बंधुगण है उनके लिए भी जो 6000 मिलता है इसको हम लोग 8000 करने के लिए ये बात हम लोग बोला हूं। साथ साथ में मणिपुर का एजुकेशन का डेवलपमेंट हो, हेल्थ का डेवलपमेंट हो, रास्ता और बने और नेशनल हाईवे और अच्छा हो, इसके लिए हमारा सरकार काम करेगा, हमारा विश्वजीत जी काम करेगा।